बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि मामो तम पुन जासु वचन रवि करणी करो। सतगुरु तुम दयाल हो तुम लग मेरी दौड़, जैसे काग जहाज को सूजे और ठो। ओम शम शनिश्चराय नमः। ओम शम शनिश्चराय नमः। ओम शम शनिश्चराय नमः। नमः नारायण। 14 जनवरी सन 2012 और 14 जनवरी को आपका जन्मदिन है या आपकी शादी की सालगिरह है। 14 जनवरी 2012 आज शनिवार का दिन है और 14 जनवरी को आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह है, तो दोनों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। जीवन में कहीं परेशानी आ रही हो, कहीं भी उठा पटक और आपका जन्म 14 जनवरी को हुआ है, तो आप किन्नर को हरी वस्तुओं का दान देके देखिए, आपके संपूर्ण कष्ट छुटकारा मिल जाएगा। घर में घी का दीपक जलाकर अरगला स्त्रोत का 7 पाठ सुबह और शाम करने से कैरियर कारोबार और परिवार संबंधी संपूर्ण परेशानियों का निवारण होगा। नमन। और बात करते हैं शनिवार के पंचांग की। माघ मास कृष्णपक्षी और विक्रम 2068 फाल्गुन नक्षत्री और चंद्रमा कन्या राशि। और शनिवार का राहु काल प्रातः 9 बजे लेकर 10:30 बजे तक, और राहु काल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना, जमीन खरीदना, वाहन खरीदना, भूमि खरीदना अनुकूल उचित तो नहीं माना गया। सलाह मेरी और मर्जी आपकी। नमूना रहे। और बात करते हैं शनिवार की यात्रा की। आज के दिन जहाँ आप रहते वहां से दक्षिण दिशा की यात्रा कारोबार की दृष्टिकोण शुभ और मंगलमय। और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व अदरक चबाते हुए यात्रा पे निकल जाएंगे तो यात्रा में कष्ट कम आएगा। न मना रहे। अब मैं आपको नक्षत्र विज्ञान की दुनिया में ले चलता हूं। और क्या कहते हैं ग्रह नक्षत्र आपके लिए। बात करते हैं शनिवार के राशिफल की। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो राशिफल है मेरे जीवन भर के अनुभव और शोध का विषय है। असंपूर्ण राष्ट्रवादियों से मैंने हमेशा एक प्रार्थना की कि मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं, मैं एक साधारण साधक हूं, प्रभु की प्रार्थना करता हूं, सनातन संस्कृति से प्रेम करता हूं और सनातन संस्कृति से प्रेम करने के कारण जो अनुभव मेरे को हुआ वो बांटने आता हूं। ऐसा कहीं नहीं कि जो मैं कह रहा हूं वही सही है। आप हमेशा जो मैं कह रहा हूं उसका सेकेंड ओपिनियन जरूर लें तो मुझे बड़ी खुशी होगी। ये शोध का विषय है, चैलेंज का विषय नहीं। जिन लोगों को चैलेंज करने का शौक है वो करिए, मैं मना नहीं करता। जिन्हें तर्क करना वो तर्क करिए, मैं क्या मना नहीं करता। लेकिन ये सनातन संस्कृति का शुद्ध विशुद्ध विषय है। तर्क नहीं, शोध करिए और जो अनुभव आता है राष्ट्र को बांट दीजिए। इसलिए राष्ट्रवासियों, एक मानव हूं, मानवीय गुण है, भूल से भी भूल हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना और पुनः मुझे सपोर्ट करना कि मैं सनातन संस्कृति के साथ जुड़ा रहा हूं। चलिए बात करते हैं 12 राशियों में। और सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि ग्रह गोचर अनुकूल सितारों का शुभ संकेत। प्रतियोगिता और परीक्षा में सफलता मिलेगी और नौकरी में है तो उन्नति के अवसर। बॉस आप आज से खुश बहुत रहेगा। मेष राशि वालों बॉस बहुत खुश, धन लाभ होगा, सुख के साधन का उपभोग करेंगे, सास और पराक्रम बढ़ेगा, मन प्रसन्न और कारोबार की स्थिति अनुकूल और कारोबार संबंधी परेशानियों का निवारण भी होगा। पूरा दिन शकुन से भरा है। क्या करें, कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा सजग रहेंगे तो सफलता दामन चूमेगी। क्या ना करें, आज के दिन मेष राशि वालों एक काम नहीं करें और वो ये है कि बुजुर्गों की सेवा से जी न चुराए तो बहुत अच्छा रहेगा। नमस्कार। और बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि धीरे 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 प्रश्न में सुधार होगा और परेशानियों का निवारण होगा। उलझने विघ्न और भ्रम और भ्रांति से छुटकारा मिलेगा। जन कल्याण के कार्य में रुचि बढ़ेगी, समाज और परिवार में मान सम्मान बढ़ेगा और संतान संबंधी शुभ समाचार प्राप्त होंगे और यात्रा लाभकारी रहेगी। क्या करें, आज कारोबारी समझौते लाभ से भरे हैं। क्या ना करें, आज बहुत जरूरी है अनैतिक कार्य में किसी का साथ ना दे तो बहुत अच्छा रहेगा। नमन। और बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों ग्रह गोचर संकेत दे रहे कि भाई थोड़ा सा गोचर सावधानी का, बनते हुए कार्य में बाधा है।
घर और परिवार का वातावरण तनाव से भरा रह सकता है। वाद विवाद से दूर न रहे तो कोर्ट कचहरी के मसले उलझ सकते हैं। यात्रा में कष्ट है और वाहन आदि प्रयोग में सावधानी नहीं बरती तो चोट भी है। और गोचर ये कह रहा मिथुन राशि वालों को सुबह सूर्योदय से लेकर शाम 7 बजे तक थोड़ी सी सावधानी है। वाहन को सावधानी चलाए, पारिवारिक सदस्यों का मान करें, वाद विवाद से दूर रहे और यात्रा में सावधानी बरते। छोटा सा उपाय और ये उपाय बहुत सुंदर है, हरे साबुत मूंग हरे कपड़े में बांधकर स्वागन स्त्री को दान में दे दीजिएगा, लाभ मिलेगा और परेशानियों का निवारण हो जाएगा। क्या करें, सामाजिक मेलजोल बढ़ाना बहुत जरूरी है। क्या ना करें, बेवजह दूसरों की बातों में ना पड़े तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। नमन। और बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों, ग्रहगोचर ये संकेत दे रहा है कि मुस्कुराइए, परेशानियां हल होगी, विघ्नों से पीछा छूटेगा और नई राह नजर आएगी। एक उमंग, एक उत्साह, एक सोच अद्भुत रहेगी। संपूर्ण पारिवारिक जिम्मेदारियां पूरी होगी और भाई बहनों के प्रति आप जिम्मेदार भी रहेंगे। घर परिवार में मेलजोल बनेगा, मन में प्रसन्नता बनेगी, किसी सभा में भाषण देने का अवसर भी मिलेगा, अपनी बात रखने का अवसर भी मिलेगा और लोग आपसे इंप्रेस भी होंगे। धन और मान बढ़ेगा। क्या करें, आय और व्यय, लाभ और हानि को थोड़ा सा बैलेंस। क्या ना करें, कार्यों के प्रति लापरवाही नहीं करें तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। नमन। बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों, आज जो सफलता है ना वो वाणी पर ऊपर निर्भर करती है। यदि वाणी की अनुकूलता बनाए रखे, व्यवहार की अनुकूलता बनाए रखे, थोड़ा सा वाणी में संयम रखा तो सफलता मिल जाएगी। वैसे आज जिस तरह के घर योगा योग है, लाभ प्राप्ति के लिए थोड़ा सा भागदौड़ और परिश्रम करना पड़ेगा, थोड़ा सा परिश्रम आजाद करना पड़ेगा, लेकिन परिश्रम करेंगे तो उसके अनुकूल फल भी प्राप्ति होगी। जिस तरह के घर युगा योग है, आज अपनों का साथ मिलेगा, व्यवसाय में प्रयत्नों के अनुकूल सफलता भी प्राप्त होगी, लेकिन दैनिक दिनचर्या अस्वस्थ नहीं हो इस बात पर ध्यान देना और शिक्षा का अवसर जरूर आएगा। बस थोड़ा सा सावधानी बरतनी है दैनिक दिनचर्या में, खान पान थोड़ा सा, और फैशन पे खर्च नहीं हो इस पर भी थोड़ा ध्यान दे देंगे तो और अच्छा दिन बीत जाएगा। क्या करें, कार्य सफलता के लिए थोड़ा सा प्रयास करें। क्या न करें, पारिवारिक सदस्यों की समस्याओं को अनदेखा न करें। नमन। और बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों, ग्रहगोचर अनुकूल सितारों का शुभ संकेत। एक 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 एक, एक सहजता से आप समाज के सामने अपनी बात रख पाएंगे और उस बात का असर भी होगा। कार्य में सफलता मिलेगी, साझेदारी के कार्य में लाभ प्राप्त होगा, धन वृद्धि के अवसर भी मिलेंगे, मित्रों से मिलन होगा और आपसी मेलजोल भी बढ़ेगा। गोचर ये कह रहा है कि सुबह से लेकर शाम तक बहुत अनुकूलता और बहुत ही सुंदर समय है, कहीं टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या करें, रुके हुए कार्य को पूरा करें। क्या ना करें, आज वाहन को तेज रफ्तार से न चलाए, साथ ही बिना सोचे समझे निर्णय भी न ले तो बहुत अच्छा रहेगा। नमन। और बात करते हैं तुला राशि। लेकिन तुला राशि की बात करें उससे पहले एक सवाल, और ये नितिन है मुरादाबाद से और ये डॉक्टर की प्रोफेशन में है लेकिन ये सेटिस्फाइज नहीं है। नितिन भाई, नमोनारायण, ईश्वर आपकी मनोकामना पूरी करे। आपका वृश्चिक लग्न है धनुराशि और इस समय आपको राहु की दशा है जो 4 नवंबर 2025 तक रही। राहु में गुरु की अंतर्दशा है जो 10 दिसंबर 2012 तक। इसके बाद शनि की अंतर्दशा प्रारंभ होगी 17 अक्टूबर 2015 तक। आप 14 फरवरी 2013 के बाद आप अपना एजुकेशन पुणे वापस प्रारंभ कर सकते हैं और आप देश से बाहर भी जा सकते हैं। 2013 के बाद आप बाहर जाकर जॉब भी कर सकते हैं, परंतु जन्मकुंडली का सूक्ष्म विवेचन करें तो जन्मकुंडली के चारों केंद्र में कोई ग्रह नहीं। ऐसी अवस्था में थोड़ा धैर्य से काम करना पड़ेगा, आत्मविश्वास कमजोर न करें, धैर्य और मेहनत करें, सफलता अवश्य मिलेगी। जहां तक शादी की बात है, जन्मकुंडली शादी के दृष्टिकोण से स्वयं आप पर निर्भर है, समय प्रारंभ है, आप चाहे जब शादी कर सकते हो, तो जीवन में सहजता बहुत जरूरी, इस बात का ध्यान रखें। 4 अगस्त 2012 के बाद धीरे 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 सफलता मिलना शुरू हो जाएगी। समस्या नहीं आए, उपाय बता रहा हूं। हर रोज नित्य कर्म से निवृत्त स्नान उपरांत गीले कपड़े में सूर्य के जल में लाल गुलाब की पत्तियां डालकर सूर्य के बीज मंत्र ओम घृणी सूर्य आई आदित्य आय नमो, इस मंत्र का जाप करके जल अर्पित करते आपके लिए बहुत अनुकूल और बहुत शुभ रहेगा। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना बहुत कल्याणकारी रहेगा। कुष्ठ रोगियों को रविवार के दिन गेहूं का दान देते हैं तो जीवन मंगलमय और शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं तुला राशि। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं,
जिनका भी सवाल का जवाब देता हूं, मैं उनसे हमेशा यदि भूल जाऊं तो याद रखना आप सब लोग कि ये मेरा अनुभव है जो मैंने आपको सुझाव दिया है, जरूरी नहीं कि आप इसे माने, आप सेकंड ओपिनियन जरूर ले। नमन, और बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों, समय ये कह रहा है कि आज बहुत जरूरी है शांति से काम करना, हल्का भी तनाव आपको नुकसान दे सकता है, हल्का भी क्रोध आज अपनों से दूर कर सकता है, आज लाभ प्राप्ति के लिए कठिन परिश्रम और भागदौड़ की आवश्यकता है। बहुत जरूरी है, आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा लाभ प्राप्ति के लिए, लेकिन बहुत जरूरी आज विशेष कार्य और योजनाओं को स्थगित करना, क्योंकि इससे उचित सफलता आज नहीं मिलेगी। धनहानि है, व्यर्थ का वाद विवाद है, कानूनी झमेले हैं, इसलिए आज सुबह से लेकर शाम तक थोड़ा सा सावधान में, और छोटा सा उपाय है ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर 108 बेलपत्र अर्पित करिए, कठिनाइयां कम आएगी। विशेष क्या करें, आवश्यक कार्य के लिए समझौता करना बहुत जरूरी, क्या ना करें, अनुचित कार्य, सरकार विरोधी कार्य ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। नमन, और बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों, समय अनुकूल सितारों का शुभ संकेत, मन प्रसन्न रहेगा और मनोनुकूल कार्य भी बनेंगे, संतान पक्ष से लाभ मिलेगा, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का निवारण होगा, और जिस कार्य के प्रति आपकी एकाग्रता है ये कार्य पूरा भी होगा, आपकी मनोकामना पूरी होगी, धन लाभ होगा, कार्य व्यवसाय में उन्नति के अवसर मिलेंगे, बड़े भाई बहनों का पूर्ण सहयोग, नवीन वस्त्र आभूषण और सुख के साधनों का लाभ भी होगा। क्या करें, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, इसमें थोड़ा सा प्रयास करें, क्या ना करें, आज के दिन विवाहित भूमि संबंधी सौदों में पूंजी निवेश न करें तो बहुत अच्छा रहेगा। नमो नारायण।